Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. मेरा पाँच छः दिन पहले मैंने पेटीएम केवाईसी के लिए कोशिश करी थी, तो उसमें एक ऑप्शन आया कि बंदा घर आके भी केवाईसी कर सकता है। तो मैंने उसमें 2 तारीख का उसमें टाइम फिक्स मतलब ऑप्शन आया, तो 2 तारीख का हमने सेट करा, लेकिन 2 तारीख को बंदा आया नहीं घर पे। और 5 तारीख को मेरे पास एसएमएस आया कि पेटीएम का खाता सस्पेंड कर दिया गया है, और लिहाजा आप एक नंबर आया उस नंबर पर आप संपर्क करें और जल्दी संपर्क करें। तो मैंने फिर 6 तारीख को संपर्क करा, यानी कि कल, और कल जैसे ही उस नंबर पे संपर्क करा तो उस आदमी ने मुझे मिसगाइड करा, और मिसगाइड तो खैर मैं समझा कोई मुझे हेल्प कर रहा है। उसने कहा नहीं अंकल, मैं आपका मतलब टेलीफोन से ही मैं आपका KYC कर दूँगा। और उन्होंने मेरे से मतलब कुछ पॉइंट्स पूछे टेलीफोन पर, कुछ गाइड करा, और हाँ उसका एक नंबर उस अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि 1 रुपये और 10 रुपये के 2 चार्ज करो। मैंने दोनों 1 रुपये और 10 रुपये के चार्ज करे, एक डेबिट कार्ड से एक क्रेडिट कार्ड से, और दोनों थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसमें से एक खाते में से 20,000 एक खाते में 25,000 निकल गए हैं। फिर मैं भागता हुआ एकदम PNB हमारे सामने ही थी तो वहाँ गया, और वहाँ पर मैंने उस कार्ड को ब्लॉक कराया। थोड़ी देर बाद मैंने स्टेट बैंक में जाके उस कार्ड को भी ब्लॉक कराया, और कल मैंने दोनों बैंकों में शिकायत करी। आपका नाम बताया? मेरा नाम भागू ईसरानी। हाँ नहीं शिकायत दर्ज करा दी है बैंकों में। भागू ईसरानी HMT में मैं मायानी अस्पताल में सेवाएं देता हूँ।